ले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लोहे जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारे, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारे, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारे। यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी आराम से, तपता भी है सोना ज़ेबाइश के लिए। नाजरीन आदाब, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। हर हफ्ते जिस प्रोग्राम का आपको इंतज़ार होता है, ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, वो लेकर मैं हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद रहेगी जिन्होंने ये बता दिया कि शादी के बाद ज़िंदगी रुक नहीं जाती। यूँ कहें कि अगर दो से चार हाथ मिल जाते हैं तो ज़िंदगी का सफ़र और आसान हो जाता है। कोई कैसे अपने शौक को अपनी जिंदगी जीने का जरिया बना सकता है और खुद के साथ साथ दूसरों का भी जराए माश बन सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल मोनिका चौधरी को कहें तो कोई गलत ना होगा। एक सादा सी लड़की कैसे इतनी हुनरमंद हो सकती है, इसकी जीती जागती मिसाल है मोनिका चौधरी। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली मोनिका के माँ बाप ने औरों की तरह ही आज से 26 साल पहले दिल्ली के ही रहने वाले कुश चौधरी से उनकी शादी की। मोनिका के अंदर अपने वजूद को पहचान देने का एक जुनून शुरू से ही रहा। एक मामूली घर की बेटी कैसे गैर मामूली काम कर सकती है, मोनिका को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोनिका के बनाए हुए केक्स, चॉकलेट्स आज बड़ी बड़ी पार्टीज और फंक्शन की पसंद है। ये सारे डिजाइनर केक्स बनाने में मोनिका ने यूं ही महारत हासिल नहीं की, बल्कि इसके पीछे की मेहनत, लगन और जज्बे का एक अहम रोल रहा है। शादी के 10 सालों बाद शुरू किए गए इस काम की बदौलत मोनिका आज एक कामयाब शख्सियत बन पाई है। एक मामूली लड़की कैसे गैर मामूली बनी, इसके अलावा मोनिका के क्या है ख्वाब और उनकी ताबीर के लिए कैसे करती है वो मेहनत, आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आज हमारे साथ है मोनिका चौधरी, बहुत वेलकम आपका। नमस्कार। ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी हमारे कार्यक्रम में आपके बारे में बहुत सुना है, 26 साल आपकी शादी को हो गया है, 16 साल आपने अपने सपने को बरकरार रखा, अपने काम को जिंदा रखा, आप खाना बनाना भी सिखाती हैं, फिट रहना भी। अपने सफ़र के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, आपने जो अभी मेरे से पूछा कि कैसा रहा आपका सफ़र, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम तो चले थे एक अनजान सफ़र की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। क्या बात है। 2005 में मैंने अपनी जर्नी शुरू की कुकिंग और बेकिंग इंस्ट्रक्टर की, जिसमें मुझे सीखने और सिखाने का बहुत शौक रहा। बहुत सी जगह मैं जाती थी घूमने फिरने के लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी खाना बनाना सिखाऊंगी, बट खाना सीखने का शौक था, कुछ सीखा और उसके बाद बहुत से लोग बोलते थे कैसे बनाती हो आप, इतने अच्छे अच्छे चॉकलेट्स बनाती हो आप, इतने अच्छे केक्स बनाती हो, हमें भी सिखाइए। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको प्रोफेशन बनाया जाए और इसको सिखाया जाए, नॉलेज है उसको स्प्रेड किया जाए। तो फिर वो जर्नी मेरी शुरू हो गई 2005 से और फिर चलता चला गया ये कारवां। क्या बात है, 2005 से शुरुआत की आपने और अब अगर 2021 की बात करें, लगातार आप सुर्खियों में हैं, लेकिन आपने कहा खाना बनाना मैंने कभी सीखा नहीं है और ना ही मुझे कभी पसंद था, तो क्यों आपको लगा कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, कुछ ऐसा करना है? खाना बहुत पसंद था जी खाना बनाना पसंद नहीं था, लेकिन खाना बहुत पसंद था और बहुत फूडी थे। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बहुत घूमते थे, क्योंकि
किसी समय से मैं पहले ट्रैवल ट्रेड से थी, ट्रैवल ट्रेड से जुड़ी हुई थी, तो बहुत घूमना फिरना होता था, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग कंट्रीज़ में जाना, वहाँ के कुजींस को एक्सप्लोर करना, और फिर जो चीज़ें बनी बनती थी उनको देखना कैसे बनाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें, क्योंकि सीखने का शौक़ था और सिखाने का, और वो हो गया, बस सिखाना बस फिर शुरू कर दिया। और सिखाने का ये रहा कि मेरा ये मानना है कि कोई भी लड़की या औरत, उसके अंदर हमेशा खाना बनाने की एक कला रहती है, वो छुपी होती है लेकिन रहती है, तो उसको कैसे निखारना है, बस मैंने वो मैं एक ज़रिया बनी छोटा सा, कि बस बहुत ही कम, एक या दो दिन की शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स के साथ ही हमने रिदम्स किचन शुरू किया कि आप आएं और शॉर्ट टर्म वर्कशॉप्स से सीखें, और उसके बाद अपने घर पे प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सी लेडीज़ ने अपना बहुत अच्छा काम किया, वो अपने घर से ही बहुत अच्छी केक्स चॉकलेट्स बनाकर काम कर रही हैं, और ऐसे ही रिदम्स किचन को मैंने शुरू किया। यहाँ पर एक सवाल ये भी आपसे होगा, शादी के बाद हर लड़की को लगता है कि कहीं ना कहीं सपने में रुकावट हो जाएगी, जो मैं करना चाहती हूँ या कर पाऊँगी या नहीं, मुझे इजाज़त देंगे या नहीं, लेकिन आपने कहा कि शादी के बाद ही मेरी जर्नी शुरू होती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है, इतना आसान कैसे? ये मेरे लिए बहुत आसान था, ये मेरा मानना है कि बहुत सी महिलाओं को ये मुश्किल रहती है शादी के बाद, लेकिन इसका श्रेय जिसको बोल सकते हो ना, जीवन साथी को जाता है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, मोरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरफ से फैमिली सपोर्ट रहा, क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ा करने में अब जो एक मेरा हाथ था वो तो था, पर उनका हाथ बहुत रहा कि जिसकी वजह से मैं अपना काम भी कर सकूं, उन्होंने अपना काम करते करते देख भी मेरा ध्यान रखा पूरा, और बहुत उन्होंने सपोर्ट करा, तो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। तो और ये मेरा मानना है कि अगर कोई भी महिला अगर ये चीज़ सोच ले कि और उनकी फैमिली सपोर्ट करे, तो वो पीछे नहीं हट सकते, वो आराम से आगे बढ़ सकते। अपनी शरीक हयात मोनिका चौधरी जी के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज वो जिस भी मुकाम पर हैं, वो खुद उनके हौसलों से है, उनके संकल्प से है और उनकी मेहनत से है। इतना ज़रूर मेरा दिल बोलता है कि एक टहनी को तराशा जाए तो वो पतवार बन सकती है, एक चिंगारी को दहकाया जाए तो वो दहक कर अंगार बन सकती है, और जो हमेशा रौंदी जाती है बेबस समझ कर, अगर उसी मिट्टी पर विश्वास किया जाए और साथ दिया जाए, तो एक दिन वही मिट्टी दीवार भी बन सकती है। आपने कहा कि मेरे पति का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा, इसी वजह से तो आज मोनिका चौधरी के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मेरे काम से मुझे पहचानते हैं। हाँ। लेकिन किस तरह से आप सिखाती हैं, किस तरह से, क्योंकि पिछले साल, उससे पहले भी हमने दो सालों से देखा कि कोविड जो है वो हमारे बीच रहा, बिल्कुल हर कोई इसकी चपेट में था, तो मोनिका चौधरी उस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में कैसे? कोविड का तो एक ऐसा टाइम रहा कि हम लोग यही मतलब कोई भी उस बारे में बात करता है तो बहुत ही, आज भी हमारी रूह कांप जाती है कि कोविड की बात करें, लेकिन उस समय जैसे लॉकडाउन का टाइम था, हर लोग अपने घर पर ही थे, खाना बनाना उस समय एक बहुत, मतलब कुछ लगता था कुछ भी नहीं है, हर सबको लगता था कि अब बस खाना ही बनाया जाए, घर पे रहेंगे तो अलग अलग तरह का खाना बनाना सब चाहते थे सीखना। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस, कि ऑनलाइन क्लासेस से फिर मेरे साथ इंडिया और इंडिया के बाहर के भी सब देशों से बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े, क्योंकि ऑनलाइन से हम लोग अपने ही घर से, इंडिया से बाहर भी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा है कि आप कहीं से भी, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप जुड़ सकते हैं, तो सब जुड़े, और हमने उस समय बहुत ही लोगों को सिखाया, क्योंकि और इसका भी श्रेय सबकी अपनी लोगों को जाता है जो सीखना चाहते हैं, और डिजिटल इंडिया जिसको कहते हैं कि आज सब लोग इतना प्रमोट करते हैं, उसका इसमें बहुत हाथ रहा, और वो दो साल में बहुत मतलब मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया केक्स चॉकलेट्स, या जितने भी मोर देन 60 वर्कशॉप्स हैं रिदम्स किचन में कुकिंग की, वो सब चीज़ें सिखाई। हर औरत का पैशन होता है खाना बनाना, किचन में कुछ ना कुछ करना, लेकिन मोनिका चौधरी उस पैशन को प्रोफेशन बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या मोटो था, क्या गोल्स था आपका कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है और इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है? राधिका, एक बात बोलना चाहूँगी मैं इसमें जी। वुमेन, द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इज इनकम्प्लीट विदाउट द परफेक्शन ऑफ कुकिंग एट हर हैंड्स, क्योंकि अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाना एक खूबसूरत कला है, और उसी को निखारने के लिए मैंने रिदम्स किचन शुरू किया,
जैसे मैंने अपने लिए सोचा था कि मैं खाना बना लेती हूँ, लेकिन मुझे और सीखना है, कुछ उसको इलैबोरेट करके बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनानी है। इसी तरीके से मैंने सोचा और कि वर्कशॉप्स ऐसे चलाई कि आप आएं एक दिन या दो दिन की वर्कशॉप, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है। एक या दो दिन के लिए आएं, वर्कशॉप अटेंड करें और उसके बाद आप अपने घर पे प्रैक्टिस करें। आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है वो आप खुद दिखाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे से स्टूडेंट्स केक सीख कर जाते हैं, राधिका आप बिलीव करेंगी, मैं जब उनके बने हुए केक्स देखती हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता कि ये केक मैंने सिखाया है। मैं भी, मुझे लगता है कि वैसा केक नहीं बना सकती, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये केक मैंने उन्हें बनाना सिखाया, क्योंकि वो पूरा 100% देते हैं उसको, इतनी प्रैक्टिस करते हैं अपना काम चलाने के लिए। तो मेरा तो बस एक जरिया है कि जो आए उनको मैं एक बार सिखा दूं। तो क्या मोनिका चौधरी जी, आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया की जहाँ पर बात होती है, अगर इसे सही तरीके से काम में लिया जाए तो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठे, वो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती? बिल्कुल राधिका, ये बात तो बिल्कुल इसी कोविड के टाइम ने ही मतलब प्रूव करके दिखाया कि जब इतने लोग जुड़े इंडिया में हर जगह से, मेरे साथ ऐसी जगह से जहाँ पर अभी इंटरनेट शुरू ही हुआ है, वहाँ के लोग भी मेरे साथ जुड़े, उन्होंने वहीं से बैठकर, और मैं जो सिखाती हूँ वो लाइव सिखाती हूँ, कई ऐसा नहीं कि बना दिया और बाद में उन्होंने देखा, उन्हीं के सामने ऑनलाइन वो मेरे साथ साथ देखकर बनाते भी हैं सब चीज़ें। तो इस तरीके से लाइव सिखाती हूँ और बहुत से लोगों ने बनाया और उसके बाद भी काम शुरू किया, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस थी। ऑफलाइन क्लासेस का मतलब जैसे दिल्ली और NCR के लोग ही आ पाते थे, बहुत दूर से एक महिला का, एक औरत का या एक लड़की का आना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि घर बैठे मतलब दुनिया के किसी भी कोने से आप क्लास मुझसे ले सकते हैं कुकिंग और बेकिंग की। मोनिका जी, औरतों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप, आपसे औरतें सीखती हैं, या यूँ कहें औरतों की बात करें, यहाँ पर जेंट्स की बात करें, हर कोई आपसे सीखता है और आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल आपसे ये भी रहेगा, भला इतने अच्छे अच्छे खाने के सामने बैठकर कोई अपने आप को कैसे रोक ले, ये मुमकिन नहीं और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती। लेकिन आप खाना बनाना सिखाने के साथ साथ डाइटिशियन भी हैं, आप कैसे फिट रहना सिखाती हैं, ज़रा ये भी हमें बताएं। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो एक ही सवाल सब करते हैं कि आप कुकिंग एंड बेकिंग इंस्ट्रक्टर हैं, इतना अच्छा खाना बनाती हैं और साथ में आप डाइटिशियन भी हैं, तो दोनों प्रोफेशन को आप कैसे बैलेंस करती हैं? क्योंकि सबको ये लगता है कि जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट होंगी तो वो तो खाना मतलब मना ही करेंगी कि नहीं खाएं, पर मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले मैं कुकिंग एंड बेकिंग इंस्ट्रक्टर बनी और उसके बाद मैंने पढ़ाई की न्यूट्रिशनिस्ट की। कुछ ऐसा हुआ, मैं आपको शेयर करना चाहूँगी मैं सबके साथ, कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था तो मुझे लगा कि मुझे पतला होना है, तो मैंने किसी डाइटिशियन को ज्वाइन किया और मैंने 3 महीने में 10 किलो वेट कम किया। बस उसके बाद बस मुझे लगा कि अब मुझे तो ये पढ़ाई करनी है, क्योंकि मुझे खाने की नॉलेज है, मुझे सब पता है कि किस चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है, तो मेरे को तो अब डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट स्टडी करनी ही है। फिर मैंने पढ़ाई की, 2 से 3 साल लगे मुझे इस पढ़ाई को करने में, और उसके बाद फिर ये मेरी जर्नी शुरू हुई। और मुझे लगता है ये बहुत आसान है मेरे लिए करना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बैलेंस बनाना है, खाएं सब कुछ, मैं खुद बहुत शौकीन हूँ खाने की, सब चीज़ें खाएं, लेकिन किस समय खाना है और कितनी क्वांटिटी में खाना है, बस यही चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये कोई समझ जाए तो आराम से आप बैलेंस कर सकती हैं अपने लाइफस्टाइल को, बहुत अच्छे से बैलेंस किया जा सकता है, तो ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस वो तरीका होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी खानी है, कितने पोषण में खानी है, बस ये नहीं कि बैठे और खाते चले गए, बस वो चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है और हर चीज़ की जा सकती है, मेरे लिए ये बहुत आसान है। मोनिका चौधरी जी, किस तरह से तमाम चीज़ों को मैनेज करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी आ जाते हैं, 26 साल जो है शादी को हो गए हैं, पति भी है, घर भी है, किचन भी है, इतना सब कैसे कर लेती हैं? क्योंकि ये सीखना, और मुझे लगता है जितनी भी औरतें हैं वो सुनना भी चाहती हैं। राधिका, फिर वही बात आ जाती है कि मन की चाह जी, कि बस मन में है कि अब काम करना है, अब रिदम्स किचन को मुझे आगे लेकर जाना है, तो फिर वो सब चीज़ें होती चली जाती हैं, ये मेरा मानना है। और मैंने आपको बताया कि हस्बैंड की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, उनकी सपोर्ट रहती है,
बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, जैसे कि 26 साल शादी को हो गए तो मेरे दो बच्चे हैं, दोनों अब बड़े हो गए हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ कि मम्मी ये कर रही हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं कि मम्मी आप करें, हम लोग अपने आप को देख सकते हैं। और हस्बैंड की सपोर्ट तो रही है, और यहाँ जो किचन है उसके लिए मेरी टीम है, कि मैं तो ऐसा हो गया है कि मैं सिर्फ जाती हूँ और क्लास लेने के लिए, पूरा अरेंजमेंट हमारी टीम करती है, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम कर, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, तो मेरा क्लिनिक है अपना, तो बहुत से क्लाइंट्स होते हैं, उनको उनकी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, उनको भी हैंडल करना, किचन में क्लास लेना और घर को देखना, लेकिन आराम से मैनेज हो जाता है अगर मन में चाह हो और सपोर्ट हो, और फैमिली सपोर्ट मेरे को बहुत है। आपने कहा कि डाइटिशियन भी मैं बन गई ही हूँ, वहाँ पर भी लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपसे खाना सीखने आते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग वो आपके सामने आते हैं कि मुझे बताइए मैं मोटापा है मेरे पास और मुझे इसे पतला करना है, तो कैसे करेंगे? ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। खाना सीखने तो आते ही हैं, क्योंकि रिदम्स किचन से पहचान मिली, खाना सीखने आते हैं। और आपको मैं बताऊँ, वही मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे खाना बनाना सीखते हैं, और वही मेरे से डाइट भी लेते हैं कि मैम मुझे अब पतला होना है तो आप हमें डाइट भी दें। तो क्योंकि जो खाना बनाना सीखते हैं, वैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जो खाना बनाना सीखते हैं, आगे वो काम कर रहे हैं, कुछ लोग केटरिंग का काम कर रहे हैं, घर से केक्स और चॉकलेट्स बनाते हैं जिसको हम होम बेकर्स बोलते हैं, वैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका वेट बढ़ गया है तो फिर वो डाइट भी लेते हैं, तो दोनों हमारा बराबर ही चलता है। मोनिका जी, तारीफ लोग करते हैं कि आपके हाथों में जादू है और आप इतना बेहतर खाना बनाती हैं, तो खुद को कैसे रोक लेती हैं? क्योंकि आप कहती हैं कि फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, सामने इतने सारे पकवान हैं और आप उनको हाथ तक नहीं लगाती और बना के लोगों को खिलाती हैं। राधिका, ये बात आपको शायद पता होगा कि जब मैं इतना बना लेती हूँ ना, तो खाने का मन नहीं करता, क्योंकि अब मेरा ये काम है तो चखना तो पड़ता है, खाया बनाया और चखा, बस उसी में मेरा काम हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मुझे मिल जाती है कि हाँ मैंने बना दिया, मैंने सिखा दिया। तो फिर बैलेंस तो बनाना ही है, अगर आपको फिट करना है, रहना है, तो जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं तो वो खानी ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए सिखाना ज़रूरी है, तो मैं सिखा देती हूँ बस जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये आपसे इसलिए रहेगा, मुझे लगता है कि हमारे देश की औरतें जो हैं वो आपसे पूछना चाह रही है मेरे ज़रिए, कि किस तरह से हम खुद को आपकी तरह बनाना अगर चाहें तो कैसे बनाएं और अपने सपने को कैसे जिंदा रखें? उनके लिए तो एक ही मेरे पास लाइन रहेगी कि आपने अगर एक चीज़ सोच ली है तो उसको प्लीज़ फॉलो करें, पीछे ना हटें, बिल्कुल आप पीछे ना हटें। कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, आती हैं, कुछ मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगी तो वो होंगी, पूरी ज़रूर होंगी। आप बस पीछे नहीं हटें, और फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगी, लेकिन बहुत सहनशीलता से। लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, ये अब चीज़ नहीं हो सकती, चलो गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। सपने को जिंदा रखिए, हो सकता है वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरा हो। और वही मोनिका चौधरी ने कहा कि सपना देखना नहीं छोड़ा, उसे पूरा करना भी नहीं छोड़ा। लेकिन सवाल बहुत सारे ऐसे हैं कि वक्त हमारे पास कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है जिसे मुझे सुनने में बहुत वक्त लग सकता है। किचन में जब आप काम करती हैं और अपनी टीम के साथ इतने सारे बच्चों को आप सिखाती हैं, स्टूडेंट्स आपके पास, किस तरह से आप करती हैं और किस तरह से जो काम है वो लोगों के सामने आप पेश करती हैं? राधिका, जैसे आजकल की बात करें तो आज 80% जो हम क्लासेस ले रही हूँ वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही ली जाती हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जितनी भी क्लासेस होती हैं वो भी हमारी एक एक या दो दिन की होती हैं। सब लोग अपने घर पे बैठकर मुझे देखते हैं, मैं उन्हीं के सामने बनाती हूँ, सारा टीम वर्क रहता है, सब प्रिपरेशन होती हैं, 3 से 4 घंटे की वर्कशॉप रहती है। एक कुजीन को हम लेके चलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज मैं इटालियन फूड सिखा रही हूँ या मैं चॉकलेट बनाना सिखा रही हूँ, बस वो 4 घंटे का वर्कशॉप रहता है। सबके पास हम लोग डिजिटल वाया डिजिटल ही हम उनको रेसिपीज़ भेजते हैं कि आपके पास लिखी हुई रेसिपीज़ के नोट्स हैं कि आप आराम से देखें और मेरे साथ साथ आप बनाएं, या नहीं भी बनाएं तो वो आप बाद में भी देख सकते हैं। इस तरीके से वो पूरा मैं सिखाती हूँ। जब 80% ये रहा, अभी अगर कोविड पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है तो उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, तो ऑफलाइन क्लासेस की लोग यहाँ आकर क्लासेस लें, उसको भी उस पर भी काम शुरू हमने कर दिया है, लेकिन थोड़ा हम लोग उसके लिए धीरे चल रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो
उसकी वजह से अभी हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहे, लेकिन पिछले 14 साल हमने ऑफलाइन क्लासेस ही लिए हैं। 200-300 लोगों को इकट्ठे भी सिखाया है हमने। मैंने एक इवेंट हम लोग करते थे 200-300 लोगों के आगे केक बनाना, उनको सिखाना, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उनके साथ में जुड़ी, तो ये सब क्लासेस और इवेंट्स किए। और उस समय भी उतने ही लोगों के सवालों का जवाब देना, लेकिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता था। जो मेरा अपना तरीका है सिखाने का, किस तरीके से सिखाया जाए कि आराम से सबको समझ आए। यहाँ पर आपने कहा कि मैं वक्त जो है वो काम को देती हूँ, लेकिन कितना आप वक्त अपने काम को और अपने घर को देती है? ऐसा नहीं आपको सुनकर हमारी जितनी भी औरतें हैं वो अपने काम पर लग जाएं पति और बच्चों को छोड़कर, तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप कितना बैलेंस कर लेती हैं काम पर भी और अपने घर के काम को भी लेकर? बिल्कुल, वो जितनी भी क्लासेस रहती हैं हमारी, उसका स्केड्यूल पहले बना दिया जाता है कि हाँ, कि एक वीक में इतने दिन क्लासेस रखनी है और इतने दिन की छुट्टी रखनी है, कि बच्चों को देखना है, कितने बजे, एक टाइमिंग रहता है मेरा किचन का कि इतने बजे से इतने बजे तक का क्लास रहता है, और उसके बाद सारा वक्त मेरा घर के लिए ही है और कुछ भी नहीं, परिवार और किचन यही चलता है। मोनिका चौधरी रातों रात चमक कर आज मोनिका चौधरी बनी है। मुझे लगता है कि ये आपके ज़रिए लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि रास्ते मंजिल आसान नहीं है, उसके लिए तपना और पसीना बहाना पड़ता है, तो कितना आपने? बिल्कुल, कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन जब अच्छी मंजिल मिल जाती है ना तो अब बहुत आसान लग रहा है जी। अब मुझे लग रहा है कि बहुत आसान था, लेकिन जो ये 15 साल का सफ़र रहा, क्योंकि जब मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया तो उस समय पहली बात तो डिजिटल नहीं था इंडिया कुछ भी, इवन मोबाइल भी ऐसे वाले नहीं होते थे, बहुत ही हम लोगों को, जब मैं सीखती थी और बहुत देर तक मैं प्रैक्टिस करती थी। अगर आज मैंने कोई खाना बनाना सिखाना है तो उसके लिए पहले खुद को भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें करनी, फिर मुझे लगा कि हाँ, मैं फिर सेटिस्फाइड होती थी कि हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी बना ली, चलो अब मैं इसको सिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने आप ही सीखा, बहुत चीज़ें सीखी और फिर मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया अपनी क्लासेस में। तो टाइम तो लगा, बहुत टाइम लगा, लेकिन उसके बाद सबकी सबके ऊपर नज़र पड़ी रिदम्स किचन की। मोनिका जी, आपके सफ़र के बारे में सुना, आपके हस्बैंड के बारे में सुना, आपके काम के बारे में भी सुना, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा आप अपने बचपन की यादें हैं वो हमारे साथ ताज़ा करें। बचपन बहुत अच्छा लगता है, बचपन की बात करते हो ना तो बचपन की याद आ जाती है। बचपन की बात करें तो राधिका, मैं अपने घर में सबसे छोटी, मेरे दो भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी, और मुझे बहुत प्यार, मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत लाडली थी मैं अपने मम्मी पापा की, और मेरे पापा अब नहीं हैं तो उनसे मुझे बहुत प्यार मिला। और जो खाना बनाने की बात करें ना, तो मैं कुछ चीज़ें अपने पापा से भी सीखी हैं। लोग बोलते हैं ना कि आप सब अपनी मम्मी से सीखते हैं, और मैंने अपने पापा से सीखी, बहुत चीज़ें मैंने अपने पापा से भी सीखी। और उसके बाद फिर मुझे पूरी छूट थी, कहीं भी जाने आने के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया कि जो आपको करना है आप करें। तभी मैंने, मेरा बहुत मन था कि मैं एक ट्रैवल इंडस्ट्री में जाऊं, ट्रैवल ट्रेड में, तो मैंने ट्रैवल ट्रेड की पढ़ाई करी और उसके बाद वहीं पर ही मैंने कुछ साल काम किया और वहीं मेरे को मेरे हस्बैंड मिले, वो भी ट्रैवल ट्रेड से थे, और फिर हमारी शादी हुई। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि घूमना फिरना बहुत होता था बाहर, और फिर वही खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ, खाना सीखने का और खाना फिर सिखाने का। मोनिका चौधरी यहाँ तक पहुँच चुकी है जिसके बारे में हर कोई जानता है, मैं भी, क्योंकि मुझे भी खाना खाने का बड़ा शौक है, लेकिन और कितना आगे जाना है? कोई तो एक मुकाम पाने की मंजिल का जो रास्ता होता है तय होता है कि मुझे यहाँ तक जाना है और यहीं पर रुक जाना है, आपकी उड़ान कहाँ तक? राधिका, रुकना नहीं है, बस यही चाहती हूँ कि ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे और जो भी मुझसे सीख रहा है वो आगे बढ़े। ऑडियंस को बहुत कुछ सिखाया, हर किसी ने आपको बहुत गौर से सुना, लेकिन ऑडियंस को क्या कुछ जाते जाते आप एक मैसेज देंगे? आप अपने बच्चों को रोके नहीं, उन्हें आज़ादी दें, वो उड़ना चाहते हैं उन्हें उड़ने दें, वो कोई काम करना चाहते हैं उन्हें रास्ता दिखाएं, क्योंकि अगर आप उन्हें, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती है, आज़ादी बहुत ज़रूरी है, अगर आप उन्हें आज़ाद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो कोई भी मंजिल से चूक नहीं सकेंगे। और अपने लिए मैं ये बोलूँगी कि हाँ, जो ये सफ़र है ये मंजिल से भी खूबसूरत है, और ये ऐसा ही चलता रहे, सीखने और सिखाने का सफ़र ऐसे ही चलता रहे। मोनिका जी, अपने हुनर और खाने की खुशबू यूँ ही लोगों तक पहुँचाते रहें, यूँ ही आप बेहतरीन काम करते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया
हमें वक्त दिया और इसी के साथ हमारी ऑडियंस को आपने बहुत कुछ सिखाया। उम्मीद करते हैं कि आपकी तमाम बातों से हमारी ऑडियंस बहुत कुछ सीखी है। आगे बढ़ने की राह को कुछ आसान करने के लिए आपको वो ज़रूर कहीं ना कहीं सीखने का ज़रिया ज़रूर बनाएगी। ज़रूर, शुक्रिया आपका आराधिका, और दूरदर्शन का शुक्रिया, नज़म साहब का शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया यहाँ रूबरू होने का और मुझे अपने काम के बारे में, अपने सफ़र के बारे में मैंने अपना कुछ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे मोनिका चौधरी को, जिन्होंने अपने सफ़र के बारे में आपके सामने ढेरों बातें रखी और उन्होंने ये भी सिखाया कि हार नहीं मानना है। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़े, बस अपने सपनों को ज़िंदा रखना है। तो चलिए, हर हफ्ते हम किसी न किसी एक शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। अगले हफ्ते फिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। एक मजबूत निर्माण के लिए चाहिए एक मजबूत बुनियाद, राष्ट्र निर्माण की मजबूत बुनियाद है आपका आयकर भुगतान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपके आयकर से देश के विकास को मिलती है गति और खड़ा होता है नया फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए जरूरी है कि आप समय से आयकर भुगतान करें, जिससे आपको भी बहुत से लाभ मिलते हैं। ध्यान रहे, वह सभी व्यक्ति और संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं है, उन्हें अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2021 तक दाखिल करना अनिवार्य है। नए शुरू किए गए ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 करोड़ से भी ज्यादा आयकर रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। आप भी समय न गवाएं, आज ही अपने रिटर्न दाखिल करें। अधिक जानकारी और ITR फाइल करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की, यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी, कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए।